ओम शांति। आज 9 जनवरी 2015 बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे बाप का पाठ एक्यूरेट है, वह अपने समय पर आते हैं, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। उनके आने का यादगार शिवरात्रि खूब धूमधाम से मनाओ। प्रश्न है, किन बच्चों के विकर्म पूरे पूरे विनाश नहीं हो पाते? उत्तर है, जिनका योग ठीक नहीं है, बाप की याद नहीं रहती, तो विकर्म विनाश नहीं हो पाते। योग युक्त न होने से इतनी सदगति नहीं होती, पाप रह जाते हैं, फिर पद भी कम हो जाता है। योग नहीं तो नाम रूप में फंसे रहते हैं, उनकी ही बातें याद आती रहती है, वह देही अभिमानी रह नहीं सकते। गीत है, यह कौन आ जाया सवेरे सवेरे। ओम शांति। सवेरा कितने बजे होता है? बाबा सवेरे कितने बजे आते हैं? कोई ने कहा 3 बजे, कोई ने कहा 4, कोई ने कहा संगम पर, कोई ने कहा 12 बजे। बाबा एक्यूरेट पूछते हैं, 12 को तो तुम सवेरा नहीं कह सकते हो, 12:01 हुआ, 1 मिनट हुआ, तो एएम अर्थात सवेरा शुरू हुआ। यह बिल्कुल सवेरा है। ड्रामा में इनका पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट है, सेकंड की भी देरी नहीं हो सकती। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। 12:01 जब तक नहीं हुआ है तो एएम नहीं कहेंगे। यह बेहद की बात है। बाप कहते हैं, मैं आता हूँ सवेरे सवेरे। विनायत वालों का एएम पीएम एक्यूरेट चलता है, उन्हों की बुद्धि फिर भी अच्छी है। वह इतना सतोप्रधान भी नहीं बनते हैं तो तमो प्रधान भी नहीं बनते हैं। भारतवासी ही 100% सतो प्रधान फिर 100% तमो प्रधान बनते हैं। तो बाप बड़ा एक्यूरेट है। सवेरे अर्थात 12:01 सेकंड का हिसाब नहीं रखते। सेकंड पास होने में मालूम भी नहीं पड़ता। अब यह बातें तुम बच्चे ही समझते हो। दुनिया तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाप को सभी भक्त दुख में याद करते हैं, पतित पावन आओ। परंतु वह कौन है, कब आते हैं, यह कुछ भी नहीं जानते। मनुष्य होते हुए एक्यूरेट कुछ नहीं जानते, क्योंकि पतित तमो प्रधान है। काम भी कितना तमो प्रधान है। अभी बेहद का बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, बच्चे
काम जीत जगत जीत बनो। अगर अभी पवित्र नहीं बनेंगे तो विनाश को पाएंगे। तुम पवित्र बनने से अविनाशी पद को पाएंगे। तुम राजयोग सीख रहे हो ना, स्लोगन में भी लिखते हैं बी होली बी योगी। वास्तव में लिखना चाहिए बी राजयोगी। योगी तो कॉमन अक्षर है, ब्रह्म से योग लगाते हैं वह भी योगी ठहरे। बच्चा बाप से स्त्री पुरुष से योग लगाती है, परंतु यह तुम्हारा है राजयोग। बाप राजयोग सिखलाते हैं, इसलिए राजयोग लिखना ठीक है। बी होली एंड राजयोगी। दिन प्रतिदिन करेक्शन तो होती रहती है। बाप भी कहते हैं आज तुमको गुहे से गुहे बातें सुनाता हूँ। अब शिव जयंती भी आने वाली है। शिव जयंती तो तुमको अच्छी रीति मनानी है। शिव जयंती पर तो बहुत अच्छी रीति सर्विस करनी है। जिनके पास प्रदर्शनी है सभी अपने अपने सेंटर पर अथवा घर में शिव जयंती अच्छी रीति मनाओ और लिख दो शिव बाबा गीता ज्ञानदाता बाप से बेहद का वर्षा लेने का रास्ता आकर सीखो। भल बत्तियां आदि भी जला दो। घर घर में शिव जयंती मनानी चाहिए। तुम ज्ञान गंगाएं हो ना, तो हर एक के पास गीता पाठशाला होनी चाहिए। घर घर में गीता तो पढ़ते हैं ना, पुरुषों से भी माताएं भक्ति में तीखी होती हैं। ऐसे कुटुंब यानी परिवार भी होते हैं जहां गीता पढ़ते हैं। तो घर में भी चित्र रख देने चाहिए। लिख दें कि बेहद के बाप से आकर फिर से वर्षा लो। यह शिव जयंती का त्योहार वास्तव में तुम्हारी सच्ची दीपावली है। जब शिव बाप आते हैं तो घर घर में रोशनी हो जाती है। इस त्योहार को खूब बत्तियां आदि जलाकर रोशनी कर मनाओ। तुम सच्ची दीपावली मनाते हो। फाइनल तो होना है सतयुग में। वहां घर घर में रोशनी ही रोशनी होगी, अर्थात हर आत्मा की ज्योत जगी रहती है। यहां तो अंधियारा है। आत्माएं आसुरी बुद्धि बन पड़ी हैं। वहां आत्माएं पवित्र होने से दैवी बुद्धि रहती है। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। अभी तुम वर्थ नॉट अ पैनी से पाउंड बन रहे हो। आत्मा पवित्र होने से शरीर भी पवित्र मिलेगा। यहां आत्मा अपवित्र है तो शरीर और दुनिया भी इम्प्योर है। इन बातों को तुम्हारे में से कोई थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं और उनके अंदर खुशी होती है। नंबरवार पुरुषार्थ तो करते रहते हैं, ग्रहचारी भी होती है। कभी राहु की
ग्रहचारी बैठती है तो आश्चर्यवत भागन्ति हो जाते हैं। बृहस्पति की दशा से बदलकर ठीक राहु की दशा बैठ जाती है। काम विकार में गया और राहु की दशा बैठी। मल्लयुद्ध होती है ना, तुम माताओं ने देखा नहीं होगा, क्योंकि माताएं होती हैं घर की घरित्री। अब तुमको मालूम है भ्रमरी को घरित्री अर्थात घर बनाने वाली कहते हैं। घर बनाने का अच्छा कारीगर है इसलिए घरित्री नाम है। कितनी मेहनत करती है, वो भी पक्का मिस्त्री है। दो तीन कमरा बनाती है, तीन चार कीड़े ले आती है। वैसे तुम भी ब्राह्मणियां हो, चाहे एक दो को बनाओ, चाहे दस बारह को, चाहे सौ को, चाहे पांच सौ को बनाओ। मंडप आदि बनाते हो, यह भी घर बनाना हुआ ना। उनमें बैठ सबको भों भों करते हो, फिर कोई तो समझकर कीड़े से ब्राह्मण बनते हैं, कोई सड़ा हुआ निकलते हैं, अर्थात इस धर्म के नहीं है। इस धर्म वालों को ही पूरी रीति टच होगा। तुम तो फिर भी मनुष्य हो ना, तुम्हारी ताकत उनसे यानी भ्रमरी से तो जास्ती है। तुम 2000 के बीच में भी भाषण कर सकते हो। आगे चल 4-5 हजार की सभा में भी तुम जाएंगे। भ्रमरी की तुम्हारे से भेंट है। आजकल सन्यासी लोग भी बाहर विदेशों में जाकर कहते हैं, हम भारत का प्राचीन राजयोग सीखते हैं। आजकल माताएं भी गेरू कफनी पहन कर जाती हैं, फॉरेनर्स को ठग कर आती हैं, उनको कहती हैं, भारत का प्राचीन राजयोग भारत में चलकर सीखो। तुम ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि भारत में चलकर सीखो, तुम तो फॉरेन में जाएंगे तो वहां ही बैठ समझाएंगे, यह राजयोग सीखो तो स्वर्ग में तुम्हारा जन्म हो जाएगा। इसमें कपड़ा आदि बदलने की बात नहीं है, यहां ही देह के सब संबंध भूल, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाप ही लिबरेटर गाइड है, सबको दुख से लिबरेट करते हैं। अभी तुमको सतो प्रधान बनना है। तुम पहले गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में हो। सारी वर्ल्ड सभी धर्म वाले आयरन एज में है। कोई भी धर्म वाला मिले उनको कहना है, बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, फिर मैं साथ ले जाऊंगा। बस इतना ही बोलो, जास्ती नहीं। यह तो बहुत सहज है, तुम्हारे शास्त्रों में भी है कि घर घर में संदेश दिया, कोई एक रह गया तो उसने उल्हा ना दिया, मुझे कोई ने बताया नहीं। बाप आए हैं
तो पूरा ढिंढोरा पीटना चाहिए। एक दिन जरूर सबको पता पड़ेगा कि बाप आए हैं शांति धाम सुख धाम का वर्षा देने। बरोबर जब ब्रिटिश था तो और कोई धर्म नहीं था, सभी शांति धाम में थे। ऐसे ऐसे ख्यालात चलने चाहिए, स्लोगन बनाने चाहिए। बाप कहते हैं देह सहित सब संबंधों को छोड़ो, अपने को आत्मा समझ मुझे बाप को याद करो तो आत्मा पवित्र बन जाएगी। अभी आत्माएं अपवित्र हैं, अभी सबको पवित्र बनाए बाप गाइड बन वापस ले जाएंगे। सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे, फिर डैडी धर्म वाले नंबर वार आएंगे। कितना सहज है, यह तो बुद्धि में धारण होना चाहिए। जो सर्विस करते हैं वह छिपे नहीं रह सकते, डिस सर्विस करने वाले भी छिप नहीं सकते। सर्विसेबल को तो बुलाते हैं, जो कुछ भी ज्ञान नहीं सुना सकते उनको थोड़े ही बुलाएंगे। वह तो और ही नाम बदनाम कर देंगे, कहेंगे बीके ऐसे होते हैं क्या, पूरा रिस्पॉन्ड भी नहीं करते। तो नाम बदनाम हुआ ना, शिव बाबा का नाम बदनाम करने वाले ऊंच पद पाना सके। जैसे यहां भी कोई तो करोड़पति है, पद्मपति भी है, कोई तो देखो भूख मर रहे हैं। ऐसे बैगर्स भी आकर प्रिंस बनेंगे। अभी तुम बच्चे ही जानते हो वही श्री कृष्ण जो स्वर्ग का प्रिंस था, वह फिर बैगर बनते हैं, फिर बैगर टू प्रिंस बनेंगे। यह बैगर थे ना, थोड़ा बहुत कमाया, वह भी तुम बच्चों के लिए, नहीं तो तुम्हारी संभाल कैसे हो। यह सब बातें शास्त्रों में थोड़े ही हैं, शिव बाबा ही आकर बतलाते हैं। बरोबर यह गांव का छोरा था, नाम कोई श्री कृष्ण नहीं था। यह आत्मा की बात है, इसलिए मनुष्य मूंझे हुए हैं। तो बाबा ने समझाया शिव जयंती पर हर एक घर घर में चित्रों पर सर्विस करे, लिख दे कि बेहद के बाप से 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही सेकंड में कैसे मिलती है, सो आकर समझो। जैसे दिवाली पर मनुष्य बहुत दुकान निकाल बैठते हैं, तुमको फिर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान निकाल बैठना है। तुम्हारा कितना अच्छा सजाया हुआ दुकान होगा। मनुष्य दिवाली पर करते हैं, तुम फिर शिव जयंती पर करो। जो शिव बाबा सबके दीप जगाते हैं, तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। वह तो लक्ष्मी से विनाशी धन मांगते हैं और यहां जगदम्बा से तुमको विश्व की बादशाही मिलती है। यह राज बाप समझाते हैं, बाप कोई शास्त्र थोड़े ही उठाते हैं,
बाप कहते हैं मैं नॉलेजफुल होना। हाँ यह जानते हैं फलाने फलाने बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करते हैं इसलिए याद पड़ती है। बाकी ऐसे नहीं कि केक के अंदर को बैठ जानता हूँ। हाँ कोई समय पता पड़ जाता है, यह पतता है, शक पड़ता है, उनकी शक्ल ही मायूस हो जाती है, तो ऊपर से बाबा भी कहला भेजता है, इनसे पूछो। यह भी ड्रामा में नोंद है, जो कोई कोई के लिए बताते हैं, बाकी ऐसे नहीं, सबके लिए बताएंगे। ऐसे तो ढेर हैं, काला मुंह करते हैं, जो करेंगे, सो अपना ही नुकसान करेंगे। सच बतलाने से कुछ फायदा होगा, नहीं बताने से और ही नुकसान करेंगे। समझना चाहिए, बाबा हमको गोरा बनाने आए हैं और हम फिर काला मुंह कर लेते हैं। यह है ही कांटों की दुनिया, ह्यूमन कांटे हैं। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह और यह है फॉरेस्ट। इसलिए बाप कहते हैं जब जब धर्म की ग्लानी होती है तब मैं आता हूँ। फर्स्ट नंबर श्री कृष्ण देखो, फिर 84 जन्मों के बाद कैसा बन जाता है। अभी सब हैं तमो प्रधान, आपस में लड़ते रहते हैं, यह सब ड्रामा में है। फिर स्वर्ग में यह कुछ नहीं होगा। पॉइंट्स तो ढेर की ढेर हैं, नोट करनी चाहिए। जैसे बैरिस्टर लोग भी पॉइंट्स का बुक रखते हैं ना, डॉक्टर लोग भी किताब रखते हैं, उसमें देखकर दवाई देते हैं। तो बच्चों को कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए, सर्विस करनी चाहिए। बाबा ने नंबर 1 मंत्र दिया है, मन मना भवा। बाप और वर्से को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव बाबा ने क्या किया? जरूर स्वर्ग का वर्षा दिया होगा। उसको 5000 वर्ष हुए, स्वर्ग से नर्क, नर्क से स्वर्ग बनेगा। बाप समझाते हैं बच्चे योग युक्त बनो तो तुम्हें हर बात अच्छी तरह समझ में आएगी। परंतु योग ठीक नहीं है, बाप की याद नहीं रहती तो कुछ समझ नहीं सकते, विकर्म भी विनाश नहीं हो पाते। योग युक्त न होने से इतनी सदगति भी नहीं होती है, पाप रह जाते हैं, फिर पद भी कम हो जाता है। बहुत है, योग कुछ भी नहीं है, नाम रूप में फंसे रहते हैं, उनकी ही याद आती रहेगी तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, शिव जयंती पर अविनाशी ज्ञान रत्नों की दुकान निकाल सेवा करनी है। घर घर में रोशनी कर सबको बाप का परिचय देना है। दूसरा, सच्चे बाप से सच्चा होकर रहना है। कोई भी विकर्म करके छिपाना नहीं है। ऐसा योग युक्त बनना है जो कोई भी पाप रह ना जाए, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। वरदान है दातापन की भावना द्वारा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भवा। सदा एक लक्ष्य हो कि हमें दाता का बच्चा बन सर्व आत्माओं को देना है। दातापन की भावना रखने से संपन्न आत्मा हो जाएंगे और जो संपन्न होंगे वह सदा तृप्त होंगे। मैं देने वाले दाता का बच्चा हूँ, देना ही लेना है, यही भावना सदा निर्विघ्न इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराती है। सदा एक लक्ष्य की तरफ ही नजर रहे, वह लक्ष्य है बिंदु। और कोई भी बातों के विस्तार को देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो। स्लोगन है, बुद्धि व स्थिति यदि कमजोर है तो उसका कारण है व्यर्थ संकल्प। ओम शांति।